बोलो कि हम बिल्कुल रेडी हैं। तो जो हमारे मतलब उनको खुद शौक था कि वो आपसे मिले और ये फंक्शन अटेंड करके आपके साथ कुछ टाइम बिता रहे, वही शुरू था। तो आपको पता है श्रीनगर में अक्सर बेशतर बदलते रहते हैं प्रायोरिटीज एंड शेड्यूल, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने ज़बरदस्त बोला कि आप फटाफट पहुंच जाओ, तो मैं वो मेंटली तैयार हो गया, मैंने गाड़ी का मोड़ करके सीधा आपके पास आया, क्योंकि आपकी ये जो फंक्शन यहाँ की है ये ऐसी फंक्शन है जो अवॉइड करना या अटेंड करना वो मॉरली अच्छा नहीं लगता, तो इसने दौड़ किया आगे। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ यूथ सर्विस फोर्स का, बलबीर जी तो जाने माने हमारे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, तो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो है तो हमारी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की फंक्शन, तो ये हमारी ज्वाइंट फंक्शन है, इसलिए इसमें मैं भी ऑर्गेनाइज़र ही हूँ। तो आज मैं वाकई में खुश इसलिए हुआ कि ये खास बच्चे हमारे जो हैं जो गुलमर्ग जाते हैं, हम सब तो यूजुअली जाते रहते हैं, इनके लिए थोड़ा सा सोचना, तो ये मुबारकबाद को खासकर, और जो स्टाफ इसके साथ जुड़ा है, जो सारे यहाँ खड़े हैं, अमृत दौरे जो यहाँ पे भी जमा है, तो अल्लाह ताला की कोई मेहरबानी होगी कि हम इस फंक्शन से जुड़े हैं जहाँ हमारे इतने अच्छे से प्यारे से बच्चे हैं। तो हम आपके लिए किसी तौर से आपके लिए हमारी दुआएं, और ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत रहे, अच्छी रहे, शानदार रहे, ये हमारी दुआ रहेगी। तो वैसे भी ये जो देखिए ये बच्चे जो है ये तो डबल श्योर स्पेशल है, क्योंकि इतना जो आमतौर से लोग मशहूर से समझ जान फुट गुलमर्ग शीन जाने में, तो हिम्मत दैट इज वो करेज जो है आप में है, तो हम आपसे ही मुखातिब हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे और उन लोगों को भी खुशहाल रखे जो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के साथ जुड़े रहते, क्योंकि उनका ही बड़ा कमाल है, वो हमेशा आपका बेहतर सोचते रहते हैं, तो इसलिए हमें उनको दुआ देने में ज़्यादा खुशी हो रही है। एनीवे एक बात और बता दूंगा, गुलमर्ग में सीईओ गुलमर्ग खुद रहा हूँ 2 साल, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम वहाँ है, मौसम अच्छा है। इस वक्त ऐसे हालात हैं कि बड़े बड़े VIP बोलते हैं हमें वहाँ रात के लिए जगह चाहिए, तो जगह नहीं है, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को तो चलो शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वहाँ पर अपना इंतज़ाम किए। तो आप सब मज़े में वहाँ रहिएगा, इन्जॉय कीजिएगा। एक मैसेज जो मैं अक्सर बेशतर देता हूँ वो ये कि जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े होते हैं, जो भी लोग किसी भी स्पोर्ट्स के साथ, Thank you.
मम भाई थोड़ा साइड छोड़ो तो भी मां बात बोलो ना बोलो साफ सुना भाई हमें अब का साफ ही कर रहा है रुको और स्टिक होती है बहुत ही कॉस्टली होती है 1500 2000 की एक होती है स्टिक 1500 से 2000 तक एक स्टिक है इसका आपने ख्याल रखना है अगर टूट जाएगी आपने पे करना है इसके लिए समझ आया ये बनी होती है एल्युमिनियम की एल्युमिनियम रॉड होती है इसको बोलते हैं ग्रिप इसको बोलते हैं लूप एल्युमिनियम की इसको क्या बोलते हैं बास्केट गुड ये लूप शाबाश तो बाइंडिंग हील बाइंडिंग हील ठीक है और हम बोलेंगे आपको थोड़ा लगाने के बारे में कैसे लगाते हैं जब भी हम सिक्की लगाएंगे लो लिसन हियर जब भी हम सिक्की लगाएंगे पहले ये है डाउन द स्लोप हमें रखनी है सिक्की हमेशा अक्रॉस द स्लोप अक्रॉस द स्लोप हमें रखनी है ये हुआ अक्रॉस स्लोप अगर हम ऐसे रखेंगे मैं बिगिनर हो जाएगा मैं ऐसे रखूंगा मैं जाऊंगा नीचे जब भी हम सिक्की लगाएंगे हम अक्रॉस द स्लोप रखेंगे सिक्की ठीक है इतना हुआ क्लियर इसमें हम क्या करते हैं पहले पहले टो डालेंगे पूरा इस टाइम बर्फ़ नहीं है यहाँ पे स्टिक का सहारा हम लेंगे थोड़ा इसको करेंगे साफ अगर बर्फ़ होगा थोड़ा नीचे से अगर नीचे बर्फ़ है तो इसमें नहीं जाएगा ये थोड़ा करेंगे इसको साफ साफ तो करो स्लाइड इसको क्या करो निकालनी है निकालने के लिए स्टिक है तो थोड़ा ये है बच करो इसको पूरा आराम से हो गया ना क्लियर अभी हम डालो नीचे सभी अपनी सिक्कीज आराम से डालेंगे नीचे जोर से डाल
इसमें उठाने का तरीका, उठाने का तरीका बताऊंगा मैं भाई। इसमें देखो ये हो गया लॉक, इसमें सिक्की हो गई लॉक। इसको उठाओ लाइक दिस, कंधे पे स्मूथली अपने हाथ में स्टिक। जल्दी बोलो, डर नहीं लेनी है, डर नहीं लेनी है। अगर डर लोगे किसी इसकी डर लग जाएगी। समझ आया? वही ना, आप ऐसे चल रहे हो, आप डर लगे ओ पेशू को इसे या दुखे का सर कर देगा। जब भी अपने वॉक करना चाहिए वॉक करो, समझ आया? Thank you.
वियतनाम जैकेट का हाथ भी क्या गया।